हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपको बताएंगे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो एमए, बीए, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम के फॉर्म निकले थे, आपने अप्लाई किया या आप किसी रेगुलर कॉलेज से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, और जो आपने फॉर्म भरा था उसका अगर आपका नंबर खो गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप किस तरह से नंबर को प्राप्त करें और किस तरह से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। तो पहले सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे MJPRU और सर्च करेंगे तो MJPRU की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुलेगा। नए इंटरफेस खुलने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे रिजल्ट होगा, स्कीम होगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे विकल्प दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कहाँ पे है ऑनलाइन फॉर्म, तो ये रहा, अब इस पर हम क्लिक करते हैं। नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे एडमिशन के लिए होगा, अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर से हम स्टेटमेंट देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 18, 19 के 19, 20 के। तो यहाँ पर से हम यहाँ देखते हैं तो हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपना पता नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सारी डिटेल भर देंगे, इसमें कॉलेज का नाम भर देंगे, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, आपने जहाँ से अप्लाई किया हो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद आपने कौन सा कोर्स किया, आपने हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं, हिस्ट्री से बीए कर रहे हैं, जो ईयर है, यहाँ पर मेल फीमेल, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, कैंडिडेट्स नेम, जो भी आपका कैंडिडेट नेम हो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे जहाँ से हमको अपना प्रिंट आउट डाउनलोड करना है। यहाँ पे दो प्रिंट आउट लेने थे, एक कॉलेज में जमा होगा और एक हम अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ गया है और यहाँ पे सर्च कर दिया। तो देख सकते हैं हमारा जो हमने फॉर्म भरा था वो सामने ओपन हो गया। अब इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, सारी जानकारी हमने कौन सा कोर्स भरा था, क्या चीज़ें थी, तो यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। यदि कोई वीडियो में कमी लगे तो हमें सुधार के लिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।